asalaamu As alaikum students today we will read chapter number 4 of mr chips goodbye mr chips by james elton चैप्टर नंबर फोर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें हमें आ, एक जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नावल का मिस्टर चिप्स की जो मिसिज़ है जो वाइफ है मिसटर चिप्स की कैथरीन ब्रिजस उससे हमारा इंट्रोडक्शन होगा और वो आ, जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें मिस्टर चिप्स को मिस मिसज चिप्स के साथ मुलाकात हुई थी वो हमें इंसिडेंट भी पता चलेगा इसमें सो दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दर केम टू हिम स्टर्ड बाई द वॉम ऑफ द फायर इन द जेंटल अरोमा ऑफ टी अ थाउजेंड टेंगल रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड टाइम्स जी जब मिस्टर चिप्स uh, सर्दी का मौसम है बाहर आग के पास बैठ जाते हैं और चाय पीते हैं तो चाय की जो खुशबू उड़ती है उससे उनको पुराने ज़माों की बहुत सारी यादें जो हैं वो उलझी हुई सी यादें हज़ारों की तादाद में वो उनके पास आती है स्प्रिंग द स्प्रिंग ऑफ एटीन नाइन्टी सिक्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जी वॉट हैपन इन एटीन नाइनटी सिक्स और जो इंसिडेंट्स इसमें हुए हैं उनके रेफरेंस सेहदा अलीहदा से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला इंसीडेंट कब हुआ और ये वाला इंसीडेंट कब हुआ सो स्प्रिंग एटीन नाइनटी सिक्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ई वॉज फोर्टी एट हो चुका है जी एन एज एट विच अ पर्मनेंस ऑफ हैबिट्स बिगेंस टू बी प्रोडिक्टबल के पता चल जाता है कि इस बंदे की ये हैबिट्स हैं He had just been appointed housemaster with this and his classical forms. He had made for himself a warm and busy corner of life. Apli life has settled life. We know that 40 years of age. And settled he is living a very peaceful life. Guzar raha hai. अब होता क्या है कि एटीन नाइन्टी सिक्स के वकीसन जब समर वकीसेशन होते हैं ड्यूरिंग द समर वकैशन ही वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट विद रॉडन अ कलीग ये क्लीग अपना एक रॉडन है जिसके साथ ये लेक डिस्ट्रिक्ट गया है जिस तरह से आप सब लोग भी सैर करने के लिए जाते हैं समर वकेशन में तो ये भी घूमने फिरने के लिए गया है जी अपने कलीग के साथ ये हमने इसको अंडरलाइन कर लिया है जी दी वॉक एंड क्लाइंट फॉर अ वीक एक हफ्ते तक तो उन्होंने खूब मौज मस्ती की है अनटिल रॉडन हैड टू लीव सडनली ऑन सम फैमिली बिजनेस रॉडन को एकदम से जाना पड़ा हमने सिर्फ इतना सही अंडरलाइन किया है चिप्स टेन ऑन अ लॉन एट वेजडल हेड अब हुआ क्या कि चिप्स ने कहा अच्छा भाई तुम जाओ मैं यहीं पर रुकता हूँ वेर ही बोर्ड इन अ स्मॉल फार्म हाउस और वहाँ के फार्म हाउस में रहने लग गया है जी चिप्स वन डे जब एक दिन मिस्टर चिप्स जो हैं वो सैर करने के लिए बाहर निकले हुए थे क्लाइंबिंग ऑन ग्रेट गैबल ग्रेट गैबल ये जो आपको फोटो आपकी बुक्स में बनी हुई है दिस इज़ द फोटो ऑफ ग्रेट गैबल गैबल जो होता है वो एक ट्रायंगुलर शेप्ड एक आप समझ लीजिए कि चट्टान होती हैं एक वॉल होती है, है जिसको गैबल कहा जाता है ही नोटिस अ गर्ल वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंगज तो अब उसने एक लड़की देखी है कि जी बहुत ऊंची जगह पे वो खड़ी है और वो ऐसी जगह है कि जहाँ से वो स्लिप हो सकती है बड़ा वो डेंजरस है वो लो, जो लेज है वो जो चट्टान है थिंकिंग शी वॉज़ इन डिफ़िकल्टीज अब उसने अपने दहन में ख़ुद से ज्यूम कर लिया है कि वो बहुत प्रॉब्लम्स में है तो यहाँ पर आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं थिंकिंग शी वॉज इन प्रॉब्लम ही रैंक टू वर्ड्स हर यहाँ पर एस्टन टू वर्ड्स आ रहे हैं लिखा हम इसको रैंक टू वर्ड्स हर कर सकते हैं हमने इजी करना है इसको बट इन डूइंग सो स्लिप हिमसेल्फ बट स्लिप्ड अब वो स्लिप हो गया है एंड रेट हिज एंकल और उसके एंकल पर चोट लगी है पाँव से बिल्कुल ऊपर यानी मोच आ गई है उसको एज अ टर्न ओवर शी वॉज नॉट इन डिफिकल्टीज एट ऑल बट वॉज मेयरली सिग्नलिंग टू अवर फ्रेंड फादर डाउन द माउंटन अब क्या हुआ कि बाद में जब कहानी खुली तो पता चला कि वो डिफ़िकल्टीज में बिल्कुल नहीं थी बल्कि वो शी वॉज वेविंग टू अ फ्रेंड वो एक अपनी फ्रेंड जो नीचे खड़ी थी उसको वेव कर रही थी शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर और वो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर थी बेटर इवन दैन चिप्स चिप्स जो अपने आप को हीरो समझ रहा है जी उससे बहुत अच्छी क्लाइंबर थी वॉज प्रटी गुड दस ही फाउंड हिमसेल्फ रेस्क्यूर

कि वो एक हीरो हैं और हीरोइन जो है वो बड़ी मुश्किल में है और हीरो साहब जो हैं वो दौड़ के जाते हैं हीरोइन को बचाने के लिए और ख़ुद स्लिप हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो हीरोइन है वो आपकी एक्सपर्ट क्लाइमर है वो आकर आपके हीरो को रेस्क्यू करती है सेव्ड भी कर सकते हैं आप इसको हेल्प भी कर सकते हैं ठीक है ही नेवर फेल्ट एट होम और एट ईज विद दैम आपने कहना ही नेवर फेल्ट कम्फर्टेबल विद दैम किसके साथ खवतन के साथ विमेन के साथ ही ड ही डिड नाट लाइक द कंपनी ऑफ विमेन बिकॉज ही नैवर फेल्ट इट ईज विद दैम ही नेवर फेल्ट कम्फर्टेबल विद दम एंड दैट मॉन्सटस क्रीचर ये उसने खुवात को बोला है लेडीज को बोला फीमेल को दैट मॉन्सटस क्रीचर बिगिनिंग टू बी टॉक्ड अबाउट अब ये ये सारी चीज़ें हो रही हैं मिस्टर चिप्स का जो क्वेश्चन बनता है कि मिस्टर चिप्स के क्या ओपिनियन थे अबाउट वीमेन तो ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हमें किया जाता है मिस्टर चिप्स के व्यूज़ अबाउट वीमेन पूछे जाते हैं और मिस मिसेस चिप्स यानी कैथरीन ब्रिजेस उसको दोनों तरह से कॉल किया जाता है आपको एग्ज़ामिनर जो है वो कैथरीन के तौर पर भी क्वेश्चन कर सकता है आपको मिसेस चिप्स के तौर पर भी क्वेश्चन कर सकता है सो प्लीज़ कीप जो माइंड के जवाब क्वेश्चन देखेंगे आपने देखना है कि मिस्टर चिप्स लिखा है या मिसेस चिप्स लिखा है तो उसमें आपसे मिस्टर चिप्स के बारे मिस्टर चिप्स से विमेन के बारे में और मिसेस चिप्स से मेन के बारे में जो उनकी ओपिनियंस हैं या जो उनके व्यूज़ हैं ये उनके बारे में हम हमें पता चल रहा है हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी क्या है सबसे पहले हमें ये पता चला कि नेवर फील्ड कंफर्टेबल हिम द न्यू वुमन ऑफ द नाइन्टीज फील्डिंग विद हॉरर उसको सोच कर ही डर लग जाता था ही वॉज अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन बहुत ही खामोश क्वाइट और कन्वेंशनल पर्सन है बड़ा ही खामोश सा बड़ा रिज़र्व uh, सा और कन्वेंशनल सा बंदा है पुराने ज़माने का बंदा है एंड द वर्ल्ड व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुक फील्ड और उसने दुनिया को जो देखा उसने ब्रुक फील्ड के जो एक स्पॉट है जो एक प्रोटेक्शन है शेल्टर है उसने वहीं पे खड़े होकर उसको देखा है सेम टू इम फुल ऑफ़ डिस इनोवेशंस तो उसको लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी नई नई चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी बहुत ख़राब हैं गलत हैं देर वॉज़ अ फेलो नेम बर्नर्ड शॉ अब ये इनको हमने इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि जो आपकी कैथरीन है उसको बनड शॉ और इप्सन बहुत पसंद है तो यहाँ पर हमने आ, कुछ ऐसा लिखा नहीं कि जो क्योंकि वो बहुत ये मुश्किल हो जाता तो इसलिए हम सिंपली ये कर सकते हैं दैट मिस्टर चिप्स डिसलाइकड बनर शॉ इप्सन उसको ये दोनों पसंद नहीं थे क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्यों नहीं पसंद थे तो आपने कहना है जी हैड द स्ट्रेंजेस्ट एंड मोस्ट रेप्रिहेंसिबल ओपिनियंस एंड देर वॉज एबसेंट टू विद हिस डिस्टर्बिंग प्लेस तो जो उनके स्ट्रेंज रिप्रहेंसिबल डिस्टर्बिंग उनके रिमार्क्स थे उनके ओपिनियंस थे उसकी वजह से वो उनको पसंद नहीं करता था एंड देर वॉज दिस न्यू क्रेज फॉर बाई सा और उसको ये जो नया नया शौक चढ़ा था ना लड़कियों को कि अगर लड़के साइकिल चला सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं साइकिल चला सकती तो उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि भाई ये क्या बात हुई चिप्स डे डॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस इन फ्रीडम चिप्स एक्चुअली वो जो नया ज़माना नयापन नई आज़ादी उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था ही हैड अ वेग नोशन उसको ख़ुद भी नहीं पता था उसको क्या पता है क्या होना चाहिए क्या पसंद है बड़े अनकलर uh, से बड़े विविड से उसके आइडियाज़ थे ही इफ़ यू एवर फॉर्मुलेटेड इट अगर कभी वो इसको फॉर्मुलेट करता नहीं कि ये राइटर का ख्याल है कि अगर उसको फॉर्मुलेट किया जाता जो उसके जहन में नोशन था आइडिया था तो वो क्या बनता दैट नाइस वीमेन वीक टिमिट एंड डेलीकेट एंड नाइस मैन ट्रीटेड दम प्लाइटली अब इसमें पलाइट है तो वो सेंटेंस डिफरेंट हो जाता तो आप इसको पलाइटली बना सकते हैं ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो ये अगर हमें क्वेश्चन किया जाता है कि मिस्टर चिप्स का क्या ख़्याल था कि जो नाइस वीमेन होती हैं वो कैसी होती हैं और नाइस मैन कैसे होते हैं तो उनके बारे में उसके क्या रिमार्क्स थे तो ये हमें पता होना चाहिए कि नाइस वीमेन जो हैं चिप्स के ख़्याल में बिल्कुल मशरक़ी ख़ातून जैसे एक पोट्रे किया जाता है आपको फिल्मों में ड्रामों में नावल्स में आपको बताया जाता है मशरक़ी ख़ातून जो है वो बड़ी चुप करके हर, करके हर सहे चली जाती है मतलब इस किस्म का बताया जाता है कि वीक है टिमिड है डेलीकेट है तो यहाँ पर उसको यही उसके जहन में यही था तो ये एक यूनिवर्सल ओपिनियन है अबाउट नाइस वीमेन जो कि मिस्टर चिप्स जिसको फॉलो कर रहे थे और ये बड़ी कंजर्वेटिव सी सोच है जो मिस्टर चिप्स के जहन में थी उस तक और राइटर ने यह बताया कि नाइस मैन ट्रीटेड देम पोलाइटली ये मिस्टर चिप्स का ख्याल था बट रादर डिस्टन शिवलरी

इट वॉज इवन मोर टेरिफाइंग दैट शी शुड टर्न द टेबल्स बाई हेल्पिंग इम ये तो बहुत ही खौफनाक था चिप्स के लिए बड़ा एक ड्राउना सा खाब था उसके लिए एक नाइट मेयर था कि उसने बिल्कुल मामला ही उलट कर दिया कि उसने बजाय इसके कि उसकी हेल्प की जाती उसने उल्टा मिस्टर चिप्स की हेल्प कर दी तो मिस्टर चिप्स के जितने भी ओपिनियन से सारे के सारे शटर हो गए हवा में उड़ गए फॉर शी ड्यूट शी एंड हर फ्रेंड हैड टू ही कुड स्कर्सली वॉक क्योंकि वो मुश्किल से चल सकता था ना मोच आ गई उसकी एंड इट वॉज हार्ड जॉब गेटिंग गेटिंग डाउन द स्टीप ट्रैक टू वेस्टडेल अब उसको अपने घर तक जाने के लिए ज़ाहरा मुश्किल है कैसे जाता हर नहीं वो स्केटरिंग ब्रजर्स शी वी फाइव हमसे पूछा जाता है कि वट डू यू नो अबाउट कैथरीन ब्रिजेस और हु वाज कैथरीन ब्रिजेस तो हमने फिर ये बताना है जी हर आर नी कैथरीन ब्रिजेस शी ही वॉज ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड आपका जो मिस्टर चिप्स है फोर्टी एट ईयरस ओल्ड है यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर यानी वो इतनी यंग थी कि अगर जब उसकी शादी टाइमली हो जाती तो उसकी बेटी इसकी साइज़ की होती इसकी एज की होती शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज इन फैकल चिक्स इंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड है यह उसका फिजिकल अपेयरेंस है शी टू वॉज स्टेइंग एट अ फार्म ऑन हॉलीडे विद द गर्ल फ्रेंड वो भी अपनी फ्रेंड के साथ आई हाँ हुई थी जी एंड एज शी कंसिडर्ड अर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल चिप्स एक्सीडेंट और उसको लगा कि चिप्स का जो एक्सीडेंट टिपिकल आपकी हीरोइन वाली सोच है कि ये मेरी वजह से हुआ है तो अब मैं इसको ठीक करूँगी शी यूज़ टू बाईसाइकिल अलॉन्ग द साइड ऑफ द लेक टू द हाउस इन विच द क्वाइट मिडिल एज और सीरियस लुकिंग मैन ले रेस्टिंग तो वो रोज़ जो है वो चुप करके अपनी साइकिल लेती और वो उस फार्म हाउस पर चली जाती जहाँ पर ये आदमी रहता था दैट वज़ हाउ शी थाट फर्स्ट शुरू में तो उसको यही लगा कि बड़ा सीरियस लुकिंग आदमी है क्वाइट है एंड ही बिकॉज शी रोड अ bicycle एंड वॉज एन अ फ्री टू विजिट अ मैन a इन अ फार्म हाउस सिटिंग रूम the world द वर्ल्ड वॉज कमिंग टू और मिस्टर चिप्स जो थे वो अपनी जगह पे सोच रहे थे कैसी अजीब लड़की है साइकिल पर रोज आ जाती है उसको डर नहीं लगता एक अकेले आदमी को विजिट करती है और दुनिया को क्या होता जा रहा है पुट हिम एट हर मर्सी लेकिन चूँकि उसकी दर्द ऐसी थी उसका जो इंजरी थी वो ऐसी थी कि वो अब उसी के रहमो करम पर था उसको ये सब चीज़ें टॉलरेट करना थी एंड इट वाज सून रिवील टू हिम हाउ मच ही माइट नीड एट मर्सी

ये हमने रेड में अंडरलाइन किया हुआ है जो ब्लू में है इसको आप अगर कर सकें तो कर लें अगर नहीं कर सकें तो दैट इज़ ओके शी बिलीव दैट वीमेन ऑट टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज़ उसका ख्याल था कि यूनिवर्सिटीज़ uh, में भी लेडीज़ uh, को वेमेन को दाखिला मिलना चाहिए शी इवन थॉट दे ऑट टू हैव अ वोट बल्कि उनको वोट कास्ट करने का राइट right भी मिलना चाहिए इन पॉलिटिक्स शी अ रेडिकल और पॉलिटिक्स में भी उसके रेडिकल व्यूज़ थे विद लीनिंग्स टूवर्ड्स ऑफ पीपल लाइक बनरच एंड विलियम ऑरिसन को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी ऑल हर आइडियाज एंड ओपिनियंस यी पोर्ड आउट टू चिप्स ड्यूरिंग दो समर आफ्टरनून एट वेस्ट लाइट एंड बिकॉज ई वॉज नॉट वेरी आर्टिक्यट द नॉट इट फर्स्ट थिंक इट वर्थ वाइल टू कॉन्ट्रोडिक्टेम अब मिस्टर चिप्स जो है वो बेचारे चूंकि उसके रहमोक्रम पे थे और थोड़ा सा मरवत वाले आदमी थे तो उनको नहीं लगता था कि कैथरीन अगर कुछ बोल रही है या वो ये कह रही है ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए तो वो कहीं नहीं तुम गलत कह रही हो मेरे ख्यालात ये हैं तो उन्होंने लिहाजा उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया उन्होंने उसको अपोज़ नहीं किया उन्होंने जो उसकी बात थी बस चुप करके सुनते चले गए हर फ्रेंड वेंट अवे अब क्या था कि वो बोल रही थी मिस्टर चिप्स सुन रहे थे उसकी फ्रेंड भी चली गई बट ही स्टेट वट अ पर्सन तो जब उसकी फ्रेंड भी चली गई वो अकेली सिर्फ मिस्टर चिप्स को लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ पर रुकी हुई थी तो फिर मिस्टर चिप्स उसको कॉन्ट्रेडिकट कैसे कर सकते थे चिप्स थॉट यूज़ टू हर्बल विद स्टिक्स अलॉन्ग अ फुट पाथ लीडिंग थू टाइनी चर्च अब मिस्टर चिप्स जो हैं वो बेचारे लैंपिंग करते हैं स्टिक के साथ चलते हैं वो उनको लेके जाती है देर वॉज अ स्टोन स्लैब ऑन द वॉल चर्च के पास जाते हैं वहाँ पर एक स्लैब है एंड इज़ कम्फर्टेबल टू सिट डाउन उस पर बैठ जाते हैं बहुत ईजी है उस पर बैठना फेसिंग द सन लाइट एंड द ग्रीन ब्राउन डाइजस्ट ऑफ द कैबल एंड लिसनिंग टू द चार्टर ऑफ वेल येस चिप्स हैड टू एडमिट इट अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल और उसके बाद वो जो चर्पिंग है उसका चहचहाना है उस लड़की का वो सुनते रहते हैं यानी मिस्टर चिप्स बस बैठ कर वहाँ पर उसको देखते रहते हैं और वो बोलती रहती है तो आफ्टर ऑल उनको एडमिट करना पड़ा कि शी वॉज़ अवटिफुल गर्ल ही हैड नवर मेड एनिवल लाइक है जी आफ्टर ऑल आपके हीरो जो हैं उन्होंने इस चीज़ को रेहलाइज कर लिया कि आपकी हिररोइन की तरह की कभी ऐसी कोई उन्होंने देखी नहीं कभी हि ऑलवेज थाट दैट द मॉडर्न टाइप दिस न्यू वूमेन बिजनेस वुड रिपेल हिम उनको हमेशा से ये ये इंप्रेशन था उनको लगता था कि जो नई ये फैशनेबल ख़ातून है मॉडर्न खातून है तो इससे वो बिल्कुल भी आ, उसके पास बैठ नहीं सकेंगे उसको हमेशा वो रिपेल ही करेंगे उसको मतलब अपने पास आने नहीं देंगे उससे अट्रैक्शन फ़ील नहीं होगी उनको एंड हीयर शी वॉज मेकिंग एम पॉजिटिव ली लुक फॉवर्ड वि ग्लेम्स ऑफ अर सेफ्टी बाइसिकल करियरिंग अलॉन्ग द लेक साइड रोड और यहाँ पर उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि वो साइकिल चला कर आती है एंड शी टू हेड नेवर मेट एन यूर लाइक हिम और यही हाल आपकी हिरोइन का भी है कि उसको भी ऐसा कभी कोई नहीं मिला शेड ऑलवेज थॉट डट मिडल एजड मैन हू रेड द टाइम्स एंड डिसअप्रूव ऑफ मटर्निटी व टेरेबल बोर्स उसको ये लगता था जो लोग टाइम्स अखबार पढ़ते हैं और वो मटरिटी के अगेंस्ट होते हैं वो बड़े बोरिंग होते हैं क्या ही वो क्लाइमिंग हर इंटरेस्ट इन अटेंशन फार मोर देंट यूज फॉर ओन एज लेकिन ये तो उसको पता ही नहीं था कि उसकी अपनी एज के जो यंगस्टर्स हैं उनसे ज्यादा जो मिस्टर चिप्स उसको अटेंशन दे रहे हैं और वो उसका इंटरेस्ट जो है उसमें डेवलप होता जा रहा है उनमें शी लाइक हिम इनिशियली बिकॉज ही वॉज सो हार्ड टू गेट टू नो और ये राइटर का ख्याल है कि जी लड़की जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी जिसको जानना मुश्किल होगा तो उसको इसीलिए वो बहुत अच्छे लगे शुरू में बिकॉज ही आर जेंटल एंड क्वाइट मैनर्स बिकॉज हिज ओपिनियंस रेटेड फ्राम दोज अटली इम्पॉसिबल एंड एंडीज़ एंड इवन अर्लीट फॉर फॉर ऑल दैट सो थोरली ऑनेस्ट एंड बिकॉज बिकॉज हिज आइज ब्राउन एंड ही लुक चार्मिंग विन इज स्माइल्ड और वो उसको बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें से एक चीज़ थी वो ऑनेस्ट भी बहुत थे और ये कि दूसरी चीज़ जो उसको फिज़िकल अपेरेंस में जो बहुत अट्रैक्टिव लगी वो ये थी कि उसकी आइज़ ब्राउन थी और वह बहुत चार्मिंग लगते थे जब वो स्माइल करते थे ऑफकोर्स आई शैल कॉल यू चिप्स टू शी सिर मैच शी लर्न डेट ही वॉज हिज नीक नेम एड स्कूल मिसटर चिपिंग उनका असल नाम था जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था और uh, मिस्टर चिप्स कहा जाता है उनको स्कूल में तो उसने कहा कि वो भी उनको मिस्टर चिप्स ही कहेगी विद इन अ वीक देवर हेड ओवर ही इज़ इन लव जी जनाब पाँव पाँव डूब गए हैं इश्क में मुबतला हो गए हैं आपके मिस्टर चिप्स और कैथरीन बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट अ स्टिक यानी कि इतनी रेपिडली कि मिस्टर चिप्स की जब आराम आया है मिस्टर चिप्स को जब वो स्टिक के बग़ैर चलना शुरू हुए उससे पहले ही दोनों इतने ज़्यादा मोहब्बत में गुम हो चुके हैं दंसिडर कंसीडर सिर्फ सिंगेश तो उन्होंने मंगनी करने का सोच लिया देवर तो मैरिड इन लंडन अ वीक बिफोर द बिगनिंग ऑफ ऑटम टर्म और इससे पहले के टाम कि ऑटम टर्म यानी गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होती उन्होंने एक वीक पहले ही लंडन में शादी कर ली सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर फोर विच इज़ एन इम्पोर्टेंट चैप्टर सो गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू कुड रिमेंबर इट एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स थैंक यू वेरी मच एंड लव फेज